Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So guys, first of all, I apologize. आपको डिले का सामना करना पड़ा. सेशन वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 9 PM, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मेरे को सेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा. बट एज प्रोमिस्ड, मैंने कहा था कि आज सेशन होगा, तो थोड़ा लेट हो गया, पर सेशन तो आज होके ही रहा. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 की रणनीति यानी मिशन 2024 की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में. आप लोगों को पता होगा हमारा प्रीवियस 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. जो भी मैं प्लानिंग आपको बताता हूँ और जो बच्चे उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उनके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता. और आज मैं ये गारंटी लेके गया हूँ, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, मैंने इस बात की आज गारंटी लेने वाला हूँ कि अगर ये वाली प्लानिंग आपने फॉलो करी तो आपके एग्जाम में 70/70 आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा. इवन एग्जामिनर भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपको मार्क्स देने के लिए. ठीक है, और ऐसा अगर आप सोचते हैं कि मार्क्स नहीं आ सकते 70/70 तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि साइंस में 70/70 बच्चों के आ जाते हैं आराम से. ठीक है, तो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 2024 में. अब आपके एग्जाम जो है, आज की डेट है 12th of December 2023, और हमारा एग्जाम जो है ICSE 12th वालों को बता रहा हूँ, ICSE 12th वालों का एग्जाम है 26th of February को, और CBSE 12th का एग्जाम है 27th of February को. ठीक है, तो दोनों साथ में ही एग्जाम पढ़ रहे हैं. चाहे तो CBSE वाले भी इस सेशन को दे सकते हैं, बट मैं इसमें ISC 12th वालों को ही टारगेट कर रहा हूँ. CBSE वाले देख लें, उन्हें इस वीडियो से नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा. हाँ, 10th और 10th क्लास ना देखें इस वीडियो को, सिर्फ 12th क्लास के लिए है. तो बिना कुछ देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं. ये जो है टेलीग्राम चैनल का बार कोड है, आप इसे स्कैन कीजिए गूगल लेंस से एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो आपस में, और फोटो सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम लाइव कर सकते हैं. अगर आपको कोई दिक्कत हो हम तो हम लाइव वीडियो कॉल के थ्रू टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं. आपको इससे बेनिफिट होगा. आप सारे अपडेट्स, सारे नोट्स और इस सेशन की और बाकी पिछले सेशंस की सारी PDF मैंने उस चैनल पर अपलोड कर रखी है. ठीक है, तो जब भी आपको PDF चाहिए हो तो आप इस सेशन की डाउनलोड कर सकते हो, इस ग्रुप का ये बेनिफिट रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको इन केस मेल करके पर्सनल पूछना है तो आप या तो DM कर दो टेलीग्राम पे, या फिर आप इस मेल ID पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपके मेल का रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, चलो, मैंने कही कि हमारा, देखो, आज है 12th of December, मतलब 12th तो बीत ही गई पूरी. ठीक है, और हमारा पेपर है 26th of February को. ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं इस डेट को काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेट हमारी निकल चुकी है. मैं काउंट कर रहा हूँ अब यहाँ से. ठीक है, डेज काउंट करते हैं, 4, 7 दिन ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 डेज हैं हमारे पास दिसंबर में. ठीक है, पूरे हम डेटा वाइज एनालाइज करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे. ठीक है, 19 डेज हैं दिसंबर में, 31 डेज हैं जनवरी में, और हमारा फरवरी 26th को एग्जाम है आपका, तो 25 डेज हैं आपके फरवरी में. ठीक है, 25 डेज हैं आपके फरवरी में, 19, 31 and 25 कितने हो गए, 3, 5, 5 और 2, 7 75 डेज हैं हमारे पास हमारे एग्जाम को. पर ये 75 सिर्फ थियोरेटिकली है हमारे, ये सिर्फ थियोरेटिकल है. प्रैक्टिकली देखिए तो प्रैक्टिकली हमारे पास इतने डेज नहीं है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में अभी प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे. नंबर एक चीज, नंबर दो चीज, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं
जनवरी लास्ट से या फरवरी फर्स्ट वीक से, जिसमें बच्चे बिजी रहते हैं। पीसीएमबी का होता है प्रैक्टिकल, या फिर पीसीबी का प्रैक्टिकल होता है, प्लस ऑप्शनल में कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होता है, या फिर जो भी आपके पास एक्स वाई जेड सब्जेक्ट है उसका होता है। तो आपके अराउंड 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्स में डेज निकल जाते हैं, 4 प्रैक्टिकल्स में डेज निकल जाते हैं। थर्ड चीज, अगर हमारे 26 फरवरी को एग्जाम है, इसका मतलब ये तो नहीं है हम 25 तक आपका वही पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री। हमारे बीच में और एग्जाम्स भी हैं, हम उनका भी पढ़ना है, और जब बोर्ड स्टार्ट होंगे तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में फोकस करेंगे जिनका एग्जाम होगा। तो हमारे पास वो दिन भी नहीं है, हम उन्हें भी स्ट्राइक आउट कर देते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ आपके कब कौन से एग्जाम है, मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री का पता है। अगर मैं इसमें लिखूँ आपका एग्जाम कौन कौन से हैं, देन जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। हाँ, तो आपके एग्जाम हैं 12 फेब से, है ना, यहां से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पर आपका है लैंग्वेज का पेपर, देन आपका 13th को है लिटरेचर, जिसमें आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, नो हॉलीडे। देन आपका 15th को यहाँ कॉमर्स है, ये हमारे मतलब का नहीं है। 20th को मैथ्स है, जिनके पास मैथ्स है उनके लिए। एंड 26th को हमारा केमिस्ट्री है। हमें टारगेट करना है इस दिन को, डी डे जो है हमारा वो ये है, ठीक है। डी डे जो ये है हमारे पास, और बायोलॉजी का पेपर जो फिजिक्स का पेपर है 4th को मार्च में। तो हमारा इस बार, वैसे तो पेपर्स जो हैं वो लाइन से होते थे, पहले फिजिक्स का पेपर होता था, देन केमिस्ट्री होता था, देन मैथमेटिक्स होता था, और लास्ट में बायोलॉजी होता था। इस तरह से सीक्वेंस होता था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री का ही पेपर है 26 फेब को। आपका फिजिक्स जो है वो 4 मार्च को है, और आपका बायोलॉजी है 15 मार्च को, ठीक है। तो हमारे पास 20th से 26th तक का समय मिल रहा है पेपर देने में, और हमारा पेपर का टाइमिंग है 2 PM to 5 PM, 2 PM to 5 PM। अब स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों के लिए रहेगी। एक जो अर्ली बर्ड है, जो जल्दी बच्चे उठ जाते हैं और जल्दी उठ के 4-5 बजे पढ़ते हैं, एक उनके लिए जो रात को लेट पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं, और तीसरे वो जो कुछ देर रात में पढ़ते हैं कुछ देर सुबह पढ़ते हैं, कोई नींद का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। सबके लिए हर चीज़ अलग होती है। मैं जो बोलूँगा और आपका जो तरीका होगा दोनों में डिफर कर सकता है, पर एक बेस सबका सेम रहेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो कि हर एक लिए परसेंट टू परसेंट वेरी करती है चीज़ें। इसे फॉलो कर लो, मैं बता रहा हूँ आपके 70 में से 70 आने ही आने हैं। और एग्जाम से पहले मैंने लास्ट 1 वीक सेशन हमेशा बनाए हुए हैं, इस बार भी लेके आऊंगा उन बच्चों के लिए जिन्हें एग्जाम से 1 हफ्ते पहले डर लगता है। उस टाइम पर किस तरह से तैयारी करें उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं अभी किस तरह से तैयारी करें, और मैं आपके लिए क्या लेके आ रहा हूँ, और मैं कैसे पढ़ाऊंगा, और आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा 26th 12th फेब से हमारा इंग्लिश का पेपर, 13th को इंग्लिश का पेपर है, देन हमारा 20th को मैथ्स है। जिनके पास मैथ्स है उनके लिए, अगर जिनके पास मैथ्स नहीं है तो भैया जिन लिटरेचर के बाद सीधे केमिस्ट्री पढ़ रहा है, पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों के लिए तो सीधे 13 के बाद 26, कितनी छुट्टी हो गई, 4 ये छुट्टी, 7 ये छुट्टी, 11 12 छुट्टी, और 12 और 2 दिन हाफ मिल रहे हैं आपको। अप्रोक्सीमेटली 13 डेज मिल रहे हैं आपको पीसी बी वालों को, और पीसीएम वालों को मिल रहे हैं कितने दिन, पीसीएम वालों को मिल रहे हैं नियरली नियरली 5.5 डेज, है ना, यानी मैं या वो 5.5 से 6 डेज मिल रहे हैं पीसीएम वालों को। तो उन दोनों के लिए किस तरह से करना है मैं उसके लिए अपने सेशन लाऊंगा आगे। अब हम बात कर लेते हैं इन 75 डेज में से कितने दिन आप चले गए, ठीक है। तो हमारे पास ये दिन यहाँ से बचे, ये हमारे पास पूरे 19 डेज सिक्योर्ड हैं, ठीक है।
नॉर्मली सबके पास 19 डेज सिक्योर्ड होते हैं ये वाले। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्री बोर्ड जनवरी में होते हैं ज्यादातर स्कूलों के, इसलिए मैं 19 डेज को सिक्योर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हमें 19 डेज में से पर एक दिन निकाल रहा हूँ ये 31st का। बहुत लोगों के प्लान्स होंगे 31st नाइट के, न्यू ईयर के, तो मैं 31st का एक दिन निकाल रहा हूँ। आपका ऐसा हो सकता है कि 31st की इवनिंग से आप न्यू ईयर की मॉर्निंग तक एंजॉय करें, तो मैं इस 31st के डे को पूरे को स्ट्राइक ऑफ कर देता हूँ और 1st को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ ऑफ दोनों दिन नहीं कर रहा हूँ, एक दिन पूरा स्ट्राइक ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि जो है मुझे पता है बहुत बच्चे इन दोनों एंजॉय करेंगे। क्रिसमस में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए मैं उन्हें नहीं ले रहा हूँ, अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस दिन भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिसमस पर इंजॉय अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जाम्स बहुत नियर हैं, तो इतनी जल्दी जल्दी इंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर न्यू ईयर पर भी प्लान्स करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे इंक्लूड करके चल रहा हूँ, तो हमारे 18 डेज ले रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे जनवरी में, जनवरी में आपके 31 डेज में मैं मान के चल रहा हूँ आपके होंगे कितने एग्जाम्स होते हैं आपके, PCM, इंग्लिश एंड एक ऑप्शनल, 5 एग्जाम्स मैं मान के चल रहा हूँ आपके, 5 नहीं आपके 6 एग्जाम्स। ठीक है, कुछ बच्चे ऑप्शनल 2 ले लेते हैं, कुछ बच्चे PCM भी लेते हैं, मैं सोच के चल रहा हूँ आपके 6 एग्जाम्स हैं और आपके 4 प्रैक्टिकल्स हैं एक एवरेज में, क्योंकि प्री बोर्ड में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो 4 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, 10 डेज हैं, प्री बोर्ड जनरली लगातार होते हैं, तो मैं ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 10 डेज एग्जाम है और लगातार होते हैं, या फिर 1-1 दिन के गैप से हुए तो 10, और अगर 1-1 दिन के गैप से हुए तो ये 12 डेज में, और ये इनके अराउंड में 15 से 17 डेज लेके चल रहा हूँ। आप इस सब में बिजी होगे। 1 डे में लेके चल रहा हूँ आप, फेयरवेल पार्टी होगी आपकी, फेयरवेल होगी, तो आपका फेयरवेल में वेस्ट होगा। ठीक है, ये मैं लेके चल रहा हूँ, मैं आपको इससे आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि क्या आपके कितने दिन बचे हैं। जो आप सोच रहे हो ना कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है नहीं आपके पास, ये बात समझ लो। आपके लाइन से प्री बोर्ड्स होंगे, आपके लाइन से क्या कहते हैं प्रैक्टिकल्स आएंगे, आपकी डेट शीट आएगी, आपके लाइन से एग्जाम्स होंगे, आप बिल्कुल पैक रहोगे 15 से 16 दिन बिल्कुल। जनरली बच्चे जो है वो उनके जो है स्कूल रीओपन होते हैं 2nd of Jan से, आफ्टर विंटर ब्रेक, जनरली बोल रहा हूँ मैं, एंड प्री बोर्ड्स यहीं से शुरू हो जाते हैं एंड ये कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्कूलों में 4 दिन प्रैक्टिकल होता है, देन उसके बाद 6 दिन प्री बोर्ड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और जनरली चलो 5 ले लेते हैं, 10th, और फिर 2-3 छुट्टियां मिला लो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सपोज करो 15th तक फ्री हुए। ठीक है, यहाँ पर एक मकर संक्रांति की छुट्टी होगी, पर ये संडे का दिन है तो मुझे नहीं पता मकर संक्रांति किस दिन की है, जनरली 14th की होती है, तो मैं मान के चलूँगा आपके 15 जनवरी तक के दिन चले गया इस सब में। देन आपने एक दिन जो है वो रिलैक्स करने में आप पक्का निकालोगे, एग्जाम के बाद प्री बोर्ड्स खत्म होंगी, और एक दिन जनवरी के लास्ट में आप निकालोगे अपने फेयरवेल पार्टी के लिए, मुझे पता है ये दिन आप जरूर निकालोगे। तो हमारे यहाँ कितने दिन चलेगा यहाँ पे, या ये यहाँ तक और एक ये वाला दिन 16th और एक 17th, 17 डेज चले गए हमारे यहाँ पे, 17 डेज चलेगा, तो हमारे पास बचे कितने डेज, 17, 10, 10 और 4, 14, 14 डेज बचे जनवरी में हमारे पास, 31 नहीं बचे, 14 डेज बचे हमारे पास, तो हमारे पास इसमें कितने डेज बचे थे, इसमें बचे थे 18, और यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 14। ठीक है, काउंट करते रहना, 18 और 14, फेब्रुअरी 12th को एग्जाम है लैंग्वेज का, आप 10 से पढ़ना शुरू करोगे लैंग्वेज, मुझे पता है,
9 तक के ही दिन हैं फरवरी में। कुछ बच्चों के मतलब मुझे नहीं पता कि आपके में किस तरह से होता है, एक दिन हमारी SCPW का प्रैक्टिकल भी होता था। SCPW जो आपका SCPW सब्जेक्ट होता है उसका एक फील्ड वर्क भी होता था हमारे को, मतलब बाहर ले जाया जाता था उसके लिए, मुझे नहीं पता आपका क्या है। तो एक डे इसमें भी वेस्ट होगा, ठीक है। वो यूजली हमारा जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में होता था हमारा, तो मैं एक दिन उसे भी काउंट कर लेता हूँ। फरवरी फर्स्ट को सपोज करो आप जाओगे इस SCPW फील्ड विजिट के लिए, ठीक है, और ये आप पूरा दिन लगा के आओगे क्योंकि सुबह जाते थे शाम को आते थे, बच्चे थके हुए तो जनरली नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 8 days लेके चल रहा हूँ फरवरी के, 8 days, ठीक है, 8 days लेके चल रहा हूँ। अब कितने हुए काउंट कर लो, 12 12 20, कितने दिन हुए, 40 days। ये हैं एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जो आपके पास बचे हैं, ठीक है। प्री बोर्ड्स निकाल दिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स निकाल दिए, SCPW फेयरवेल पार्टी एंड आपकी जो स्क्रिबलिंग डे होता है, मैंने आपका इसमें स्क्रिबलिंग डे तक काउंट ही नहीं किया। मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि बच्चे प्री बोर्ड खत्म होने के बाद ये जो एक दिन मैंने यहाँ पर रिलैक्स वाला बोला है, यहीं बच्चे अपना स्क्रिबल डे बना लेते हैं या फिर फेयरवेल वाले दिन ही बच्चे अपना स्क्रिबल डे बना लेते हैं। तो स्क्रिबलिंग डे जो होता है यूजली बच्चे लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है या फिर जो लास्ट प्री बोर्ड होता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रिबल डे में जा रहा है, ये स्क्रिबल डे हो गया आपका, ठीक है। सारे दिन निकाल दिए, ये आपका स्क्रिबल डे हो गया। हमारे पास बच्चे अब 40 दिन, और हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, हमारे पास चैप्टर्स हैं 10। ऑन एन एवरेज 4 days पर चैप्टर, 4 day पर चैप्टर है। एंड हर आप लोग अपने आप को बहुत लकी मानो कि आपका सिलेबस कम हो गया है। जो पहले बच्चे बैच पढ़ के गए हैं उसने सॉलिड स्टेट भी पढ़ा है, उसने केमिस्ट्री नवेड लाइफ भी पढ़ा है, उसने बहुत सारे आपके से 2-3 chapter एक्स्ट्रा ही पढ़े, कम नहीं पढ़े। आप बहुत लकी हो इस मामले में, ठीक है। 4 days पर चैप्टर है आपके पास, पर आपके पास इसमें और सब्जेक्ट भी है कवर करने को। बच्चे कंप्यूटर मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ज़्यादा देर नहीं पढ़ते, मुझे पता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम होता है, पर मैथ्स बच्चे रेगुलर करते हैं, फिजिक्स बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं। और जो बच्चे इसके साथ साथ टारगेट कर रहे होंगे अपने जेई को जनवरी में, वो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आपके पास टाइम है बहुत कम। अब हमें टाइम के हिसाब से किस तरह से निपटाना है चीज़ों को वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, ये ऐसा हमारा हिसाब है कि अगर हमने 13th को पढ़ाई शुरू करी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 13th से मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। अब इसमें 2 type के बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लूँ, और ऐसा बच्चा जो थोड़ी थ्योरी पढ़ता है फिर क्वेश्चंस लगाता है, फिर थ्योरी पढ़ता है फिर क्वेश्चंस लगाता है। तो मुझे नहीं पता आप किस तरह के हो, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या फॉलो किया था। मैं करता था पहले थ्योरी खत्म, पहले मैं सिलेबस की थ्योरी खत्म करता था, फिर मैं उसके लगाता था क्वेश्चंस। तो आपको जिस तरह से करना है आप देख लीजिएगा, हर एक का तरीका अलग होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है सिलेबस कंप्लीशन पे, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। मैं अगर आपको अपना आपका सिलेबस दिखाऊं तो देखो, सबसे ज्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और यही मेरी फेवरेट है और इसी में मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 31 marks की आएगी, और ये अगर आएगी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये आपको रुला देगी। मैंने पिछले साल भी बच्चों के ऑर्गेनिक पर बहुत सारे सेशंस लिए थे, जैसे कि एरो बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि पैराग्राफ क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस जिससे बच्चा थर थर कांपता है, चिल्ड्रन डोंट लाइक दिस, ठीक है, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे कि
आपके वाले वन वर्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री के। जो बच्चा जिस चीज से डरता है, मैंने सबके सेशंस लिए थे पिछले साल, और यकीन मानो बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी इन सेक्शन इन सेशन से। लास्ट के 1 वीक में बच्चों का इतना रिवीजन हो गया था इन सेशन से कि बच्चे कह रहे थे कि पेपर तो हलवा था, बिना इतना इजी पेपर लगा बच्चों को। तो आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं और अपने पेपर की इस जर्नी को इजी बना सकते हैं। देखो 31 मार्क्स का ये है। अगर मैं बोलूँ कि फिजिकल सिर्फ 3 चैप्टरों से 25 नंबर का आ रहा है, इसमें अगर मैं बात करूँ तुमसे तो सॉल्यूशंस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स से भी चैप्टर से भी क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। इसमें आपका रॉल्ट्स लॉ पूछ लेगा, इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब पूछ लेगा। आपका पी एज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई टी वाला फॉर्मूला पूछ लेगा, इन पर न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा। तो मैं इस चैप्टर की वेटेज दूँ तो मैं इस चैप्टर को, इन तीनों को लगभग लगभग सेम वेटेज ही दूंगा। पर अगर मैं इन तीनों में से कंपेयर करूं तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे ज्यादा वेटेज दूंगा न्यूमेरिकल वाइज। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस तो आपके वैसे आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स, और बाकी आपको एक आध की थ्योरी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं वही दूंगा, इसको भी 6 से 7 मार्क्स दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। मैं दूंगा 7 से 8 मार्क्स, इसमें आपकी नर्स्ड इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, देन आपकी इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाता है चैप्टर। ठीक है, और सॉल्यूशन चैप्टर तो ज्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं देखा गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में रेट लॉ, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना, इनिशियल रेट लॉ मेथड से निकालना, ये सब आ जाता है। तो इस चैप्टर इसको भी मैं दे दूंगा आपके 1 मिनट, इसे मैं दूंगा 1 मिनट रुको, 7 से 8 नंबर, 8 से 9, 9 से 10 मार्क्स दे सकता हूँ मैं इसे, या फिर इसे 9 से 10, ये 9 से 10 ले लो। नौ से दस मार्क्स, ये भी 9 से 10 मार्क्स, ये 8 से 9 मार्क्स। ठीक है, 9, 8, 17, 17, 8 मार्क्स, 9 समझ लो तो इसका वेटेज इन दोनों में, ये समझ लो तुम 3 से 4 मार्क्स, और ये 11 मार्क्स। इसमें अगर मैं आपको बोलूं इन 4 चैप्टर की, तो ये 4 चैप्टर आएंगे आपके 25 से 26 मार्क्स के, जिसमें मैं सबसे ज्यादा वेटेज देता हूँ अपना, और ये आएगा आपका 5 to 6 मार्क्स का। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आपके वाइटमिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, आपके न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, बेसिस, प्रोटीन्स, हिस्टोन्स, है ना, डीएनए, आरएनए रेप्लिकेशन, विटामिन्स और इनकी डेफिशिएंसीज, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब इन चारों में से देखो 25-26 नंबर में से इंडिविजुअल तो मैं कह नहीं सकता कि इनमें से कितना आ सकता है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। पर मैं बोलूँ अगर अगर मैं मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मैं ऐसे 10 to 11 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है, और इस पूल इस दोनों पोर्शन का डिस्ट्रीब्यूट करूँगा मैं इसमें 20 से 22 मार्क्स, सब डिवीजन करूँ मैं इसका, तो क्योंकि इनमें आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस। मिक्स्ड क्वेश्चंस में आपकी ये जो 4 मैंने आपको बताए थे, एरो बेस्ड क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस या डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब मिक्स्ड आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें पूरा लग जाता है
इक्वेशंस, तो मैं इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरे का, जिसमें आप अगर इन दोनों में फिर से सब क्लासिफाई करूं तो मैं इसे कह दूंगा 5 मार्क्स और इसे कह दूंगा 6 मार्क्स। इन दोनों में क्लासिफाई करूं तो मैं इसे कह दूंगा 14 मार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसे कह दूंगा मैं 8 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का जो है वो ये है, ये ठीक है, ये, और ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं टीचर हूँ और मुझे पेपर बनाना है तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ इस चैप्टर में से कि तुम हिला भी ना पाओ इन्हें, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है ना। ये आपका हो गया मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दिन कितने निकले और टाइम की बात कर लेते हैं कि टाइम किस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर वाइज वेटेज है, इस पर हम आगे आएंगे, पर इससे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो ये आपका मैं, ये आपका सिलेबस है, मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी कि सॉल्यूशन चैप्टर का वेटेज कितना है, अराउंड ये 8 मार्क्स है, ठीक है ना। ये आपका 8 मार्क्स है, ये आपका 9 मार्क्स है, ये आपका 8 मार्क्स है, ठीक है। देन आपका डीएनए एफलॉक हो गया, वही 11-12 मार्क्स, 4-5 मार्क्स, 5-6 है ना। देन आपका ये वाला हो गया अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स, ये हो गया आपका 6-7 मार्क्स, ये हो गया 11-14 मार्क्स बोलूँगा मैं तो इसे, 12-14 सॉरी, इसे इस वाले चैप्टर को। देन इसके वाले चैप्टर के बाद नाइट्रोजन वाले के बोलूँगा मैं 8 मार्क्स और 5-6 मार्क्स इस चैप्टर के, ठीक है। अब अगर आपको डिटेल में चाहिए इस चैप्टर के बारे में, मैं क्या बताऊँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप कल से तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको ये तो बताओ इस चैप्टर में मैं सबसे ज़्यादा ध्यान किस में दूँ, इसलिए मैं सिलेबस लाया हूँ। कुछ चीज़ें मेरी बैक में दिख नहीं रही होंगी तो आप अपने सिलेबस में चेक कर सकते हो, मैं एज इट इज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया सिलेबस और कुछ नहीं किया। देखो इस चैप्टर के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ रहे हो तो इन पर ध्यान देना। रॉल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर सबसे ज़्यादा पूछ लेता है ये, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, इन तीनों की डेफिनेशन भी आती है, इनके फॉर्मूले जो होते हैं KB और KVM वाले वो भी आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट और रैंक ऑफ फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आई का फैक्टर लग जाता है किस तरह किस लगता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, 100% न्यूमेरिकल आता है, अगर इसके बिना न्यूमेरिकल सिंपल नहीं पूछता, वो 3 मार्क्स में पूछेगा और ए से लगवा के पूछेगा। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट निकलवा देगा या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके ग्राफ्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इस तरह से जो ग्राफ बनते हैं इनके वो बनवा देगा, ठीक है। तो 8 नंबर का है। अब सब टाइप वेटेज के लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, मैं वीडियो नेक्स्ट ले आऊँगा, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आपको बस स्ट्रैटेजी जाननी है, तो मैंने आपको बताई दी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के बारे में, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें आपके रीजनिंग में इसकी यह चैप्टर आप इस पार्ट में से रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग पर चलना है इस चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद वेंटा फैक्टर मैंने आपको बताई दिया, वेंटा फैक्टर किस तरह से लगता है ना। उसके बाद उसने कहा है सिंपल प्रॉब्लम्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगी, सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना और एसोसिएशन निकालना किस तरह से होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरह से होगा, है ना, बेंजीन हो बेंजीन में क्या होगा, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का है, आपके 2 न्यूमेरिकल और बाकी थ्योरी मान लो, इसमें 2 न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ, इसमें मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। नर्स्टल इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, गिब्स एनर्जी और ईएमएफ सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। गिब्स एनर्जी पर
एनएफई सेल और ये सब चीज़ों पर इक्वेशन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। देन कंडक्टेंस पर पूछ लेता है, कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल वो ऐसा पूछ लेता है जैसे आपका फिजिक्स में रेजिस्टिविटी का पूछता था, वैसा पूछ लेता है इसमें कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालने आने चाहिए, सेल नोटेशन किस तरह से आपका जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट होता है ये सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन, सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी वाली रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है नहीं है। बैटरीज में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बैटरीज नया टॉपिक है अभी बाद में एक आध साल से इंक्लूड हुआ है तो बैटरीज का ज्यादा नहीं है इसमें। बैटरीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल बैटरीज पर जनरली क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, बैटरीज जो था आता नहीं था, एक आध साइड टॉपिक में दे रखा होता था वो भी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक में ही, तो वो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल सेल। ठीक है, इन कोरोजन का कंसेप्ट, कोरोजन के कंसेप्ट में आपका किस तरह से मेथड ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं वो आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो 9 मार्क्स में आप इसके में मान लो 6 मार्क्स तो आपके न्यूमेरिकल्स के हो गए, 2-3 नंबर 2 मार्क्स का आपका वो पूछा जा सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स और ये सब में, और 1-2 नंबर का आपका प्रिवेंशन में आपका क्वेश्चन आ सकता है या मान के चलो। इसमें केमिकल कंडक्शन में बात करूं तो काइनेटिक्स में रेट लॉ पर क्वेश्चन आता ही आता है, रेट लॉ पर क्वेश्चन आएगा ही आपका, आपको रेट निकलवाएगा रिएक्शन की या फिर आपको जो है प्रेडिक्ट करना होगा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है उसके रेट कॉन्स्टेंट को देख के, है ना। उसके बाद आपको उसमें टाइम पीरियड निकलवा लेगा जो आपका, उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें Ln2/K आती है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एक का ग्राफ देख के जाना। ठीक है, उसके बाद आरहेनियस इक्वेशन एक ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। 2-3 टॉपिक हैं जिन पर न्यूमेरिकल आएगा इसमें, उनमें से एक टॉपिक ये आरहेनियस इक्वेशन भी है। ठीक है, तो इसमें मान के चलो अगर 8 नंबर है ना तो इसमें 5-6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, 3+2 में न्यूमेरिकल आएगा और बाकी की थ्योरी आएगी। थ्योरी में आपको ये आपको मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है आपको, क्या कहते हैं, पूछ लेगा प्रेडिक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, आपको रेट कॉन्स्टेंट लिख के आप बता सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड ये सब के बारे में आएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में है ना, ये सब चीजें आपको करनी है। ओके, और डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ ये भी आ सकता है एक आध क्वेश्चन, ज्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, डीएनएफ ब्लॉक में स्टैंडर्ड चीज ही आती है, डीएनएफ ब्लॉक में ज्यादा कुछ नहीं आता, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पूछ लेता है, कुछ एक्सेप्शन पूछ लेता है कि आपके जिंक वगैरह के बारे में एक्सेप्शन पूछ लेता है, आयनाइजेशन वगैरह रेडियाई वगैरह का ट्रेंड पूछ लेता है, इन सब के ट्रेंड पूछता है बस कि ट्रेंड क्या रहता है वेरी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि यही एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, +3, +5, +7 की भी दिखा देते हैं, है ना। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनाते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ कहीं भी समझ में ना आए बस एक एक चीज लिख तो लिख देते हैं इसमें डीडी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, तो वो देख लेना। उसके बाद 5F और 5F, इसमें आपका बोल देते हैं हर एक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एक चीज चिपका देते हैं। ठीक है, ये कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं एक और साल से ही, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, नई चीजें ऐड हुई हैं, ज्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा, ज्यादा चांसेस नहीं आने के। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो भी मैं कहता आपको पढ़ लो क्योंकि समय है और ये आना चाहिए कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में, यूजिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको नॉमिनक्लेचर आना चाहिए, नॉमिनक्लेचर पर क्वेश्चन आएगा, तो इसमें जो है ना आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको 1 मार्क का आपका इस पार्ट में से आ सकता है, नए वाले पार्ट में से वेरिएबल वैलेंसी वगैरह रीजनिंग वगैरह में आपका 2 मार्क,
और आपका बचा हुआ कितने मार्क्स, 2 मार्क। बचे हुए 2 मार्क में आपका लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टोनेट कॉन्ट्रैक्शन को पूछ लेगा 1 मार्क का, और उसका मन कर रहा है 2 मार्क का। वैसे तो ये चैप्टर 4 नंबर का ही है, बाकी उसकी मर्जी है, हो सकता है 1 मार्क का भी पूछ ले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, वरना थ्योरी पर क्वेश्चन आ जाता है। VBT, CFT और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें CFT, ठीक है। तो आपका सब आप मान लो कि 2 से 3 नंबर का तो आपका नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद बात आती है नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म की, तो आप उसमें 1 नंबर में आइसोमेरिज्म रख लो, तो 2 से 4 नंबर के बीच में आप नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म को जोड़ लो। देन उसके बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, उसको आप 2 नंबर में जोड़ लो, तो आपके करीब करीब 5 नंबर हो गए। 5 नंबर के बाद आपकी हाई स्पिन, लो स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, इन सब पर आप 2 नंबर मान के चलो कि आपकी मैग्नेटिक स्पिन पूछ लेता है। देन आती है उसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर, आपका पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, स्टेबिलिटी किस तरह से है, ऑन द बेसिस ऑफ के वैल्यूज है ना, ये आ जाएगा। तो आप इसे भी लेके चलो आप यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स, ठीक है। आइसोमेरिज्म को एक 1+1 कर लो, या तो आपको आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल पूछ लेगा या फिर आपको ऑप्टिकल पूछ लेगा या दोनों पूछ लेगा, तो वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से मोटा चौड़ा करके आपका 11 से 12 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये 12, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक के पोर्शन, जो कि आपका 31 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इन 31 मार्क्स का बाइफर्केशन वैसा है कि आपके पैराग्राफ बेस क्वेश्चन आएंगे, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, एरो बेस क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इक्वेशन आएंगी, नेम रिएक्शन आएंगी, एंड देन आपके ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, वन वर्ड में आ सकती है रिएक्शन या कंडीशन पूछ सकता है, रीजनिंग आ सकती है, तो डिफर करता है। सब में देखो ये चीज़ें बटे जाती हैं, तो हर चैप्टर का हमें टॉपिक वाइज वेटेज नहीं बता सकता, ये 5 to 6 मार्क्स का आएगा। इस तरह से मैं वेटेज बता सकता हूँ, पर हर चीज़ मिक्सड में आएगी, ठीक है। इसमें अगर मैं बस इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट जो है वो है एल्कोहल से प्रिपरेशन, हेलोएल्केन्स की PX3, PCF5, SOCl2 से हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, जिसे फिंगलस्टीन और स्वार्ट्स कहते हैं, वो आपकी होमस्टिकर रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बाल्शीमैन रिएक्शन है और आपकी गैटरमैन है, ठीक है। देन आपके पास उसके बाद है उलमान रिएक्शन है ना। देन आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 मैकेनिज्म के साथ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स के बारे में। देन उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है पोटेशियम साइनेट, सिल्वर साइनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्राइट के संग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स LiAl(H4) जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है वो क्या करेगा, एलिमिनेशन में सेट्स ऑफ एल्कीन और बीटा एलिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद वुड्स रिएक्शन, ग्रिगनार्ड के संग रिएक्शन, उसके बाद आपकी मैंने कैटरमैन कॉस्ट तो वो ही दिया। देन उसके बाद आपके इसमें वुड्स फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, और DDT का स्ट्रक्चर इतना नहीं है पर ठीक है, इसमें आपकी एक आध रिएक्शन रह गई है, जैसे बाल्शीमैन रिएक्शन रह गई है ना, और आपकी HBF4 के संग रिएक्शन रह गई है, तो एक दो रिएक्शन इसमें मेंशन नहीं है, वो भी करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली नेम रिएक्शंस ही हैं, बाकी ये जो है आपके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ना, ये आगे की चीज़ों में यूज हो जाते हैं, ये अकेले इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन 3-4 चैप्टर में लाके बनता है, जो नेम रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन बनता है, पैराग्राफ बेस और वैसे वाले क्वेश्चन होंगे वो सबको मिला के बनेंगे। नेम रिएक्शन इसमें से याद कर लेना बस, फिंगलस्टीन, स्वार्ट्स, होमस्टिकर, वुड्स फिटिक, फिटिक है ना, और वुड्स और बाल्शीमैन और उलमान, आपके HBF4 के संग रिएक्शन, साइनवेयर, ये सब याद कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद एक है सेट्स ऑफ रूल, ये याद करके रखना, इसमें से रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन जाता है एक कि आपका एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH का बारे में बन जाता है कि इन दोनों को यूज करें तो क्या क्या फर्क पड़ता है, ये वाली चीज है, पर एक क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन बन जाता है कि हम इस पर सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड पर, एक में CN लगता है, एक में NC लगता है, एक इस पर अलग क्वेश्चन फेमस है इसके लिए, ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट है अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स पर, तो अल्कोहल्स पर सबसे पहली चीज तो हर एक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही होती है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी एल्कीन से किस तरह से होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव एल्कीन्स, जो है इसकी प्रिपरेशन ये हो जाएगी कि ग्रिगनार्ड्स इंपॉर्टेंट है,
हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एसिडिक नेचर इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर पर रीजनिंग में सवाल बनता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है एसिड एंड एनहाइड्राइड इज एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, डिहाइड्रेशन में क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। डिहाइड्रेशन एल्कोहल्स का 3 अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, डिपेंड करता है आप किस पर कर रहे हो, 443 केल्विन पर भी होता है और अलग अलग टेम्परेचर्स पर, 3 अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद एक एल्कोहल को दूसरे में कैसे करना, कन्वर्ट करें, चेन लेंथनिंग और चेन शॉर्टनिंग का प्रोसेस होता है, मिथेनॉल टू इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल बनाओ, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लेना। ल्यूकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन। उसके बाद आपके ग्रिग्नार्डिएशन की रिएक्शन, प्रिपरेशन में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से प्रिपरेशन, इसकी रिएक्शन में क्या कहते हैं एसिडिक नेचर की रिएक्शन, देन उसके एसिडिक नेचर इसका, ल्यूकास टेस्ट और इसका डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन। फिनॉल्स में डाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जिंक के संग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद एसिडिक नेचर फिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद FeCl3 से एजोडाइज टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलबेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ओके। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्यूमिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एस्पिरिन के बारे में आता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के बारे में आता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के बारे में आता है, ये देख लेना, ठीक है। ईथर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ करो नहीं करो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जरूर करके जाना। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, यूजेस और टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने लायक ही नहीं है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं तो मैं ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है, रोजनमन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टीफेंस रिडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, इसमें सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, वुल्फ क्वेश्चनर रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस के संग रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, एल्डोल, कैनिजारो और क्या कहते हैं मिक्स क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपकी और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी है बेंजोइन, परकिन, इसमें नीम रिएक्शन बहुत सारी है, सारी नीम रिएक्शन करनी है आपको, सबसे ज्यादा तो एल्डोल पूछी जाती है और आइडोफोम पूछी जाती है, ठीक है। आइडोफोम रिएक्शन है, आइडोफोम रिएक्शन करनी है। एक मैंने आपको बताया नहीं, इसमें कार्बाइलामीन टेस्ट वो देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रोजनमन रिएक्शन, बेंजोइन, परकिन, एल्डोल, कैनिजारो, क्लेमेंसल, वुल्गेशनस, स्टेफेंस और आपकी HBZ भी बहुत पूछी जाती है, HBZ आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में आती है वो, ठीक है। ये सारी रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की प्रॉपर्टी और इसकी जो है एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये करना है। देन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें HBZ रिएक्शन होती है और इसमें एक दूसरी चीज होती है ऑर्थो इफेक्ट, वो देखना होता है इसके अंदर, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में 2-3 रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका प्रिपरेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन, हिंसबर्ग टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलेमाइड इंपॉर्टेंट है, ये सीजल गैब्रियल थैलेमाइड कन्वर्जन में नहीं यूज होती, सीजल लिखने को आती है तो आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद इसमें बेसिक कैरेक्टर, अच्छा मैंने इसमें तो मैं एक चीज बताना भूल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अमीन्स में बेसिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है पहली चीज, सेकेंड चीज नेम रिएक्शन, थर्ड चीज आपका हिंसबर्ग टेस्ट और चौथी चीज क्या रही, चौथी चीज आपकी रही आपकी जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एक कार्बन अमीन रिएक्शन भी है मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी बेंजोइलेशन देख लेना, कार्बाइल अमीन रिएक्शन तो बताई दी, एसिटाइलेशन देख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें अलग तरीके से होता है वो देख लेना, ठीक है।
साइनाइड्स में ज्यादा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, देखो बाल्समन रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, बाल्समन रिएक्शन देख लेना। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डोलसिस और क्रिटोसिस होते हैं, तो इसमें आपको याद रखने हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स में, वो देख लेना। देन उसके बाद जो होता है आपका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है वो देख लेना। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लेना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है ये देख लेना। देन पॉलीसेक्राइड में ये किस, ये स्टार्च सेलुलोस और ग्लाइकोजन, ये तीनों पॉलीमर्स हैं, इनके मोनोमर्स कौन कौन से हैं, इनमें लिंकेज कौन सी होती है, अल्फा के बीटा, ये देख लेना। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। अमीनो एसिड्स, उसके बाद 10 अमीनो एसिड्स से बनता है, वो 10 अमीनो एसिड्स होते कौन से हैं वो देख लेना, क्योंकि 10 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या क्या डिटरमाइन, क्या क्या चीज़ें हमें बताता है वो याद रखना। डीनेचुरेशन क्या होता है ये याद रखना। एंजाइम जो होते हैं वो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, उसके बाद विटामिंस में आपको इसके डेफिशिएंसी याद रखनी है कि कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, कौन सा फैट सॉल्युबल होता है। जैसे वाटर सॉल्युबल हमारा विटामिन सी होता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता, सीधे आप अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी में तुरंत, तो ये चीज़ आपको यह पता होनी चाहिए। डेफिशिएंसी क्या होती है, केमिकल नेम्स क्या होता है, राइबोफ्लेविन कौन सा होता है, थायमिन कौन सा होता है, कैल्सिफेरॉल कौन सा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आरएनए और आपके बेसिस, प्यूरिन्स कौन से, प्यूरिन बेस कौन सा है, पिरिमिडिन बेस कौन सा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, उसके बाद डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक सिंगल स्ट्रैंड होती है, डबल स्ट्रैंड होती है, एक में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एक में राइबोस शुगर होती है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि इसमें सब कुछ बता दिया, जी हाँ, इसमें कुछ भी छोड़ने का है। ठीक है, और आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन बाद पेपर हो, आप आराम से कर सकते हो। वैसे करने का अब हम बात करते हैं तरीके की। तो देखो भैया, हमारे पास है अभी 40 दिन, हमने हिसाब लगा लिया है 13 दिसंबर से लेके आपके 26 फरवरी तक आपके पास है 40 दिन। केमिस्ट्री के लिए ज्यादा नहीं करना हो मेरे को, हमारे को केमिस्ट्री के लिए अगर हम, अब हमारा स्कूल जाना बंद हो गया, अगर हम हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो हम केमिस्ट्री के लिए भी निकाल सकते हैं, 2 से 2.5 घंटे निकाल रहे हैं बस। दिन में 2-2.5 घंटे निकाल लो। कोई बच्चा 8+8+8 का शेड्यूल फॉलो करता होगा, 8 घंटा सोना 8 घंटा खाना, मतलब 8 घंटा सोना 8 घंटा पढ़ना और 8 घंटा अपने बाकी काम करना, कोचिंग वोचिंग जाना और अपने दोस्तों से मिलने जाना और ये सब। कोई बच्चा जो है वो 10 घंटे पढ़ता होगा, है ना, और अपना 7 घंटे सोता होगा और बाकी के घंटे जो है अपने और एक्टिविटीज करता होगा। कोई बच्चा होगा जो 6 घंटे सोता होगा, कोई बच्चा होगा जो 5 घंटे सोता होगा। ठीक है, बाकी टाइम अपना पढ़ना वो करता होगा, और ये ऐसा नहीं है ये 13 या 14 घंटे पढ़ लेते होंगे, ऐसा नहीं है, वो अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते होंगे, है ना। और वो जो बच्चा ऐसे करता है ना, जो नींद में कॉम्प्रोमाइज करता है, वो पढ़ाई नहीं करता, वो पढ़ाई के अलावा सब काम कर लेता है। क्योंकि अगर आप अपने शरीर को प्रॉब्लम में लाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि मैं 13 घंटे पढ़ रहा हूँ, पर वो एफिशिएंसी आपके अंदर आएगी नहीं, और ये ट्रू है। ठीक है, तो नींद के संग मत लो, एटलीस्ट 6 आवर्स अपने आपको दो, और मैं तो कह रहा हूँ आपको एक एवरेज टाइम देना चाहिए अराउंड 7 आवर्स, ये एक एवरेज टाइम है स्लीप का 7 आवर्स। आप 6.5 से 7.5 के बीच में नींद ले सकते हो, एवरेज टाइम है 7 घंटे। आप मैं जो है मिनिमम इसमें आपका 6 है, मैक्सिमम आपका इसमें 8 है, इससे ज़्यादा एक्सीड मत करना, 6, 7 और ये 8, ये है आपका टाइम होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड मत करना। जो सुबह उठने वाले हैं वो सुबह ठंड हो गई है 5 AM उठ सकते हैं, जो रात में पढ़ने वाले हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 AM तक सो सकते हैं। ठीक है, 5 AM के बाद सोने जा सकते हैं, 5 AM से पहले मत सोने जाना। ठीक है, और जो वैसे हैं बीच के, तो वो बीच वाले लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सबका अलग अलग होता है। आप कोशिश करिएगा जो पहला आपका सेशन हो दिन का, वो आप 2.5 आवर्स का से ज़्यादा का ना लें। कुछ लोग पोमोडोरो टेक्निक
यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी इफेक्टिव है, मैंने यूज़ करके नहीं देखी, पर आपको अगर पोमोडोरो टेक्निक पसंद आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही कि आपको किस तरह से सेशन करने हैं, तो आपको एक बार करना है आपका सिलेबस ख़त्म। प्री बोर्ड्स के लिए आपने करा होगा या प्री बोर्ड्स के लिए आप करेंगे तो आप कर रहे हैं। जब आपके प्री बोर्ड्स ख़त्म हो जाए, जैसे कि मतलब इसका मतलब है आपके पास अभी कितने दिन हैं, अभी आपके पास डेज हैं प्री बोर्ड स्टार्ट होने से 18 डेज यहाँ हैं, 18 डेज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 18 से 20 डेज हैं, ठीक है 18 से 20 डेज हैं आपके पास प्री बोर्ड स्टार्ट होने में, या जिनके प्री बोर्ड चल रहे होंगे। इसमें आपके पास अराउंड 2 डेज हैं पर चैप्टर। तो देखो भाई, मैं क्या मानता हूँ कि कितने दिनों में क्या चैप्टर हो सकता है। अब आपका और चैप्टर खत्म हो गया होगा, अगर नहीं खत्म हुआ तो खत्म कर लीजिए। मैं मान के चलता हूं कि सॉल्यूशन चैप्टर को चाहिए आइडियल, मैं ये मान के चलता हूँ कि सॉल्यूशन चैप्टर को चाहिए आइडियल, अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं और सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर की थ्योरी को 2 से 3 घंटे में वाइंड अप कर सकता हूँ, और बाकी मैं इसकी 2 आवर्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, यानी मैं इस चैप्टर को 5 से 6 आवर्स में वाइंड अप कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर तो बहुत ही छोटा है, ये 2 आवर्स में वाइंड अप हो जाएगा, 2 आवर्स इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, 4 आवर्स। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका 3 आवर्स के अराउंड का है, 3 to 4 आवर्स, देन आपके इसमें 2 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया जाएगा, 5 to 6 आवर्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका है, इसमें है आता है डीएनएफ लॉग, ये आपका चैप्टर क्योंकि इनऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक रटने की होती है थोड़ी ज़्यादा, तो मैं आपका इसे 3 to 4 आवर्स लेके चलता हूँ। इसमें प्रैक्टिस का कुछ है नहीं, क्वेश्चन देखने होते हैं तो आप 1 आवर क्वेश्चन दे सकते हैं, तो मैं इसका मान के चलता हूँ 5 to 6 आवर्स। नेक्स्ट है आपका इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये थोड़ा बड़ा है, इसके मैं आपको लेता हूँ 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, और इसकी 1 आवर क्वेश्चन देख लो तो आपके 7 to 8 आवर्स हो गए इसके। नेक्स्ट चैप्टर है, अगर ये 5 हो गए, आपका देन है हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स, इसको मैं आपको देता हूँ 3 to 4 आवर्स, एंड 1 आवर इसके न्यू जो है पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं बुक के पीछे के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब देखने के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं 5 to 5 आवर्स अराउंड, 4 to 5। अल्कोहल्स को देख सकते हैं आप इसमें से 4 to 5 आवर्स, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम टाइम दे के चल रहा हूँ, मैं आपको ये मत समझना कि हम तो 10-10 घंटे देंगे इसमें, ठीक है। तो ये है आपका, देन है आपका इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आप दे सकते हो 7 to 8 आवर्स प्लस 2 आवर्स, तो ये जाएगा 10 to 11 आवर्स, 7 to 8 नहीं बल्कि मैं 7 to 8 से 2-3 कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, कितने चैप्टर हो गए, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसमें आप दे सकते हो अपने 4 आवर्स to 5 आवर्स प्लस 1 आवर, तो ये हो जाएगा 5 to 6 आवर्स। एंड देन आपका रहा एक चैप्टर, कौन सा रहा, बायो बायो मॉलिक्यूल हो गए, बायो मॉलिक्यूल में काफ़ी याद करने का है, तो इसमें भी मैं आपको दूंगा 7 to 8 आवर्स, एंड 1, तो ये हो गए 8 to 9। सारे हो गए क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैप्टर हो गए। अब इनके आवर्स काउंट कर लें, आवर्स काउंट करते हैं जरा इनके, ये हो गए आपके, मैं मिनिमम लूँ तो आपके 5, 5 के बाद 4 9, 9 5 14, 5 19, 19, 26, 26 और 4,
35, 45, 49, या 49 की जगह इसे मान लो 50 आवर्स के बाद, ओके 58 आवर्स से लेके ये देखना 6 6 plus 6 plus 10 16 22 30 35 41 52 58 67 68 hours 58 से लेके 68 आवर्स लगेंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। आइडियली आपको इस सिलेबस को 52 आवर्स में कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है। पर मैं बल्कि मैं तो कहूँगा आपको जो है इस सिलेबस को अगर आपको ढंग वो करना है, ये मैं तब की बता रहा हूँ आपको कि प्री बोर्ड से पहले की, अगर जिनके प्री बोर्ड्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको। प्री बोर्ड्स हैं अगर आपके प्री बोर्ड्स में, तो आपको इसे 42 से 45 आवर्स तक कर लेना चाहिए अगर आप प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप प्री बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके प्री बोर्ड हो चुके हैं, तो आपको इस सिलेबस को 58 से 68 आवर्स तक कम्प्लीट करना चाहिए। आइडल टाइम इज 50 आवर्स, बाकी आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसे टिल 58 आवर्स। और जिनके बीच में प्री बोर्ड्स फंस जाते हैं, यदि कारणवश सिलेबस रह जाता है, तो उसके लिए 68 आवर्स है। इसमें इंक्लूड है बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं है। और ये आपका जो है सिलेबस, ये हो जाना चाहिए आपका बाय 16th ऑफ जनवरी, ठीक है। ये है, आप अगर दो घंटा भी एक दिन निकालोगे, दो से मैंने आपको 2.5 घंटा बोला है, अगर आप 2.5 आवर्स निकालोगे पर डे, एंड आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो रहा है 58 में, तो 58 से आपका ये 23.2 डेज आ रहा है। और अगर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप 42 आवर्स में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो 42 आवर्स के लिए तो टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा। 42 आवर्स के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा। आइडियली ये सिलेबस आपका 23 डेज है, तो मैं 50 आवर्स कह रहा हूं, तो 50 से अगर आप इसी स्पीड में चलते रहे, तो आप इस सिलेबस को 20 डेज में खत्म कर सकते हो, जो कि आज से लेके कितने दिन है, आज से लेके आपके ये कितने दिन है, ये आपके हैं 18 डेज यहाँ के, और जो है आपके 18 डेज है ना, 18 डेज है, 18 डेज है, आइडियल है 20 डेज का, प्लस माइनस थोड़ा सा चलता है। ये आपके 18 डेज है, 18 डेज का 18 डेज है, और अगर आप क्या कहते हैं इसे कंप्लीट कर लेते हैं 50 आवर्स में, तो आपको 20 डेज का ये बन रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी का जो है किसी के प्री बोर्ड जल्दी खत्म हो जाए, कम खत्म हो, तो आप इसे कोशिश कीजिएगा एट एनी कॉस्ट आप एक बार सिलेबस को, फर्स्ट टाइम सिलेबस को बाय 20th of January कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे को उसके बाद एक रिविजन करना है, और हमारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, और टेस्ट भी देने हैं, जिसमें हमारे को पार्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, और हमारे को इसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है, ठीक है। पार्ट टेस्ट भी देने हैं, जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट भी देना है, जिसमें
जो है पूरी पूरी यूनिट्स आएंगी और आपको फुल सिलेबस के टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 20th, आपकी 16 जनवरी डेडलाइन है सिलेबस कंप्लीट करने की, मैक्सिमम टाइम में 20th जनवरी, 21st ऑफ जनवरी से लेके आपके 25th ऑफ फेब तक ये सिर्फ रिवीजन का टाइम रहेगा। इसमें कोई बच्चा चैप्टर नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ रिवीजन का टाइम रहेगा। इसमें आपका फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए चैप्टर की, इतने ड्यूरेशन में हर चैप्टर का ये हो जाना चाहिए। आप गो थ्रू किया है, आपको पता है चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और जो है चैप्टर के अंदर क्या क्या डेटा है, क्या क्या हमें याद करना है, क्या क्या नहीं करना है, इतना आपको पता हो जाना चाहिए चैप्टर के बारे में। पूरी एक ड्राफ्ट पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में आपको कि, और हर इक्वेशन का, अगर आपको नेम रिएक्शन का ये भी नहीं पता ना कि नेम रिएक्शन लिखते कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन में ये होता है और इससे ये प्रोडक्ट बनता है, भले आपको लिखना नहीं आता, फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये होता है। बाकी जो आप 21 जनवरी से काम करेंगे वो हम काम करेंगे इसमें चैप्टर को याद करने पे, इक्वेशंस लिख लिख के देखने पर, नियम रिएक्शन लिख के देखने पर, और प्रैक्टिस करने पर भरपूर। प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है, अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मैं आपको रिवीजन फुल सिलेबस का, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा कल, आपने 13 दिसंबर को आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे आपने हेलो एल्केन्स पढ़ा, तो मैं आपको एक सेशन लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको हेलो एल्केन्स की थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक ही सिंगल लेक्चर में, वन लेक्चर होगा मैक्सिमम 45 मिनट्स का, पूरा हेलो एल्केन्स रिवाइज, या मैक्सिमम जो है एक और आइडियल टाइम होगा 30 मिनट्स, पूरा हेलो एल्केन्स रिवाइज, और एक लेक्चर होगा 30 मिनट्स का से 45 मिनट्स का, इसमें पूरा क्वेश्चंस हेलो एल्केन्स के, बहुत शानदार क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन से आपको मजा आ जाए करने में, ठीक है। तो 1 आवर से लेके 1 आवर 30 मिनट्स में, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स में, 1 आवर 30 मिनट्स में आपका पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, विद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सब पूरा रिवीजन के साथ, जो आपने पढ़ा होगा आपको पूरा याद हो जाएगा दिन का भर, इस तरह से मेरे साथ जुड़ना। ये कराने के बाद ये सीरीज ऐसे करके हम 10 चैप्टर कर लेंगे ना ऐसे करके, तो हम सिर्फ 10 से 15 घंटे के अंदर पूरी बुक कर लेंगे, ठीक है, 10 से 15 घंटे के अंदर। उसके बाद हम जो है आधे आधे घंटे के 10 सेशन रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, यानी आधे आधे घंटे के 10 सेशन, मतलब 5 आवर, यानी हम रखेंगे 15 से 20 आवर्स के पढ़ने के सेशन। फिर हम रखेंगे इसके बाद मिक्स प्रैक्टिस के सेशन, करीब हम रखेंगे 5 आवर्स के जो है मिक्स प्रैक्टिस के सेशन, जिसमें हम लोग नेम रिएक्शंस, प्रीवियस जो है आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस, वो सब देखेंगे, और आपके आप समझ लो 2-3 घंटे के आपके रहेंगे जो है आपके स्ट्रैटेजी सेशन, जैसे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपके पेपर के टाइम क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, कैसे याद करनी है, क्या ट्रिक बनानी है, ये सब मिला के। तो आप ये मानिएगा कि 28 से 30 घंटे का आपका ये पूरा पैकेज है, 28 से 30 घंटे आप मेरे साथ रहेंगे, बोर्ड होने तक एक एक चीज़ का बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ फ्री है, बस आपको मेरे से यूट्यूब पर जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको लेट ना हो क्लास में, चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि लाइव क्लास की बात ही अलग होती है, ठीक है। इतना आप काम आपको करना है, डेडलाइन मैंने आपको बताई दी है कि क्या आपकी डेडलाइन है, कितना टारगेट आपको एक दिन में करना है, इतना टारगेट लेके चलो कि एक दिन पहले ही टारगेट लेके चलना है, इतना खत्म करना है और खत्म करके ही सोना है, ठीक है। मैंने आपको आइडियल टाइम बता दिया कितना लेना चाहिए हमें एक चैप्टर में क्वेश्चन के साथ, ये खत्म हो जाएगी 21 जनवरी से, हम लोग पूरा सिलेबस का आप लोग दोबारा से रिविजन करेंगे। मैं तो अभी से स्टार्ट कर दूंगा, मैं 21 से मिक्स प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, मिक्स शुरू करूंगा, और आप लोग शुरू करेंगे, अपने चैप्टर वाइज याद करेंगे और चैप्टर के टेस्ट देंगे, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सब देंगे, और आपके फेब्रवरी के फर्स्ट वीक बोर्ड शुरू होने से पहले आप देंगे फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट लूंगा मैं,
वो भी आपके लूंगा मैं तीन तीन फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो आपके हर यूनिट का एक टेस्ट होगा, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो आपके 10 हो गए आपके यूनिट टेस्ट, ठीक है, उसके बाद आपके 3 हो गए आपके 10 हो गए आपके पार्ट टेस्ट, सॉरी यूनिट टेस्ट नहीं आपके पार्ट टेस्ट, सॉरी 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट टेस्ट, 3 पार्ट टेस्ट, पार्ट इनऑर्गेनिक का एक टेस्ट, फिजिकल यूनिट टेस्ट और ऑर्गेनिक का एक टेस्ट, और 3 होंगे आपके फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। तो ये 16 टेस्ट होंगे, 16 टेस्ट होंगे आपके, और ये होंगे आपके जो है जनवरी लास्ट से लेके फरवरी फर्स्ट वीक तक, ये वाले टेस्ट होंगे। पार्ट टेस्ट ये यूनिट टेस्ट है, ये कभी भी हो सकते हैं, ये एक सरप्राइज होगा कि मैं आपको जस्ट उसी सेम डे बताऊंगा कि आपका टेस्ट है और आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो आपके दिसंबर जनवरी में। इस तरह का हमारा रहेगा, मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा जनवरी में, उसके बाद फरवरी में कराऊंगा मैं आपको तगड़े तगड़े वैसे वाले क्वेश्चंस, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से आपकी डेडलाइन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें इसमें जुड़े रहना और आगे अनसब्सक्राइब करके भाग में जाना, आपको बहुत 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 फायदा होगा इस सेशन से। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, आप कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, शुरू करेंगे हेलो वेलकम्स, हेलो वेलकम्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।